हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू अनइंस्टॉल कमांड लाइन फॉर एंगुलर। तो उसका हमने देखा था कमांड लाइन, और हमने देखा था कि हाउ टू क्लीन npm कैशे, npm कैशे कैसे क्लीन करते हैं, उसका कमांड देखा था हमने। और फिर दोबारा हमने npm को कैसे इंस्टॉल करना है, हमने वो भी किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू चेक नोड जी एस वर्जन का, हम लोग उसका वर्जन कैसे चेक करना है वो देखेंगे हम लोग। उसका कमांड है node -v, और सेकेंड हम लोग डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएंगे एंगुलर नाम से, और उस फोल्डर में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे माई ऐप। तो उसका कमांड देखेंगे हम लोग, ng न्यू माई ऐप कमांड होता है। फिर उसके बाद हम लोग सर्वर को रन करेंगे, और सर्वर के लिए जो कमांड होता है वो ng serve होता है। और एक चीज़ याद रखिए कि जब आप सर्वर को मीन्स स्टार्ट करते हैं, तो वो आपके जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आपने स्टार्ट करना चाहिए वो। तो हम उसका देखेंगे ng serve कैसा काम करता है। और ng serve सक्सेसफुली मीन्स स्टार्ट होने के बाद हम लोग चेक करेंगे URL डाल के लोकल होस्ट :4200 कि सर्वर अप है और चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडियो कोड में जाकर कि जो फाइल्स है हमारा प्रोजेक्ट की वो कैसी है मतलब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें अगर आपके पास नोड JS है नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना होगा और लेटेस्ट वर्जन। और सेकेंड थिंग, आपको के पास अगर स्टूडियो कोड नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, तो वो विजुअल कोड स्टूडियो को आपको इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील जय खान है, वेलकम टू आवर चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस। आपको कमांड लाइन cmd ओपन करना होगा एडिटर, उसमें आपको टाइप करना होगा पहले नोड वर्जन चेक करने के लिए node -v। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास जो नोड है वो v12.18.2 है। अभी मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, उसका नाम है फोल्डर का एंगुलर, और एंगुलर के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ng new my app नाम से। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे पूछ रहा है वुड लाइक टू ऐड एंगुलर रोटिंग, आई सेड यस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया उसने विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड लाइक टू यूज़। तो CSS है, SCSS है, SAS है, LESC है और स्टाइलस है। तो आपको कौन सा स्टाइल शीट चाहिए फॉर्मेट वो बता रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे चाहिए CSS, तो मैं उसे क्लिक करके इंस्टॉल करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैकेज जो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे फोल्डर है एंगुलर, और इस फोल्डर में आप देख सकते हैं फाइल्स है सारे जो जस्ट इंस्टॉल हो चुकी है अभी। ये सारे फाइल्स हैं। अब फ्रेंड्स, आपको सर्वर को स्टार्ट करना है तो आपको लिखना होगा ng serve। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगुलर में मैंने ng serve किया, और सर्वर अप और रनिंग नहीं होगा क्योंकि हमें एंगुलर के जो माय ऐप जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाके हमें करना होगा। देखिए फ्रेंड, मुझे यहाँ पे एरर आया, द सर्व कमांड रिक्वेस्ट टू बी रन इन एंगुलर प्रोजेक्ट बट अ प्रोजेक्ट डिफाइन डेफिनेशन कुड नॉट बी फाउंड। तो हमें एंगुलर के जो हमने बनाया हमने माई ऐप प्रोजेक्ट, हमें उसके अंदर जाके सर्वर को अप और रन करना होगा। तो मैं जाता हूँ सर्वर के सॉरी एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो cd माई ऐप। अब मैं यहाँ जाकर ng serve टाइप करता हूँ, तो देखिए अभी सर्वर रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कंपाइल हो रहा है, कंपाइलिंग के बाद ये बिल्डिंग करता है प्रोजेक्ट को। तो आप देख सकते हैं नाउ फ्रेंड्स, अभी कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब फिर से आपको चेक करना होगा कि आपका सर्वर अप और रन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको URL में जाना है और वहाँ पे http लोकल होस्ट : 4200 टाइप करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर रन हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है माय ऐप ऐप इज़ रनिंग, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो दिख रहा है आप वहाँ पे रन हो रहा है यहाँ पे।
तो ये सर्वर हमारा रन हो गया। ओके, इस पर लर्न एंगुलर है, सी एल आई डॉक्यूमेंटेशन है, एंगुलर ब्लॉग है। ओके नो फ्रेंड्स, आपको जाना होगा विजुअल स्टूडियो कोड में। आप यहाँ देख सकते हैं ऐप में बहुत सारे यहाँ पे जेसन फाइल है, टेस्ट डॉट टी एस है, बहुत सारे फाइल्स हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका आगे हमें क्या करना है इसका प्रोजेक्ट को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज इस वीडियो से। सो गाइज, मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट होगा तो। ओके, तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।